नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके इम्पोर्टेंट लेवल को देखते हैं, क्या इम्पोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए और क्या इम्पोर्टेंट लेवल है जो बैंक निफ्टी में स्टॉक ट्रेड करते हैं, और जो फेवरेट बैंकिंग स्टॉक्स हैं उसके बारे में। दोस्तों, उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने कल बोला था कि 27,800 का हमारा टारगेट है। मेरे ख्याल से कल वो 27,800 का टारगेट हो जाने चाहिए या 27,750 का, तो आज इसने हाई ऑलरेडी मार ही दिया है। अब एक चीज ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को कि बैंक निफ्टी ऐसे देखने में तो बड़ा मजेदार दिख रहा है कि ये स्टॉक बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा, लेकिन बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से थोड़ा सा अलर्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी पे होना पड़ेगा। अगर कल ये बैंक निफ्टी, कल भी देखिए ध्यान रखिएगा, कल वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी कल वापस 27,700 के ऊपर ही क्लोज करे, यानी बंद 27,700 के ऊपर ही करेगा तभी मोमेंटम पिक होगा। क्योंकि ये जो कैंडल बनी है यहां पे देखिए 27,000 से 27,800 तक बैंक निफ्टी चला है, और यहां पे देखिए जाके एक कैंडल बनी है, ये कैंडल है हैंगिंग मैन, यानी एक रिवर्सल कैंडल है कि शायद यहां से रिवर्स हो सकता है बैंक निफ्टी, शायद यहां से रिवर्स हो सकता है। अब रिवर्स का मतलब हो सकता है वो 27,400 को फिर से टेस्ट करे और उसके बाद से फिर ये मोमेंटम पकड़े। अब जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ही इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम करेगी। पहला सपोर्ट अब इसके लिए 27,400 27,350 के बीच का सपोर्ट मिलेगा। पहला सपोर्ट 27,350 से 27,400 के बीच में बैंक निफ्टी पे बनेगा। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 27,600 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 27,600 के नीचे क्लोज करेगा तो जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। कल अगर ये 27,800 के ऊपर कल अगर कंटिन्यू ट्रेड करने लगता है, यानी 27,800 के ऊपर कंटिन्यू 15 से 20 मिनट ट्रेड करने लगता है, तो कल आपको 150 पॉइंट की मूवमेंट आपको और दिखेगी, और फिर वो जाके इस ट्रेंड लाइन के आसपास में टच करने की कोशिश करेगा, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। ध्यान रखिएगा, वो तब होगा जब ये 27,800 के ऊपर ट्रेड करेगा कंटिन्यू, तब 27,800 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तब। ये कैंडल वैसे रिवर्सल कैंडल है, ये भी ध्यान रखिएगा, और ये रिवर्सल कैंडल एक्टिव तो बहुत दूर है लेकिन इंट्राडे में एक्टिव हो सकती है। 27,600 के नीचे जब ट्रेड करने लगेगा तो ये इंट्राडे में एक्टिव हो जाएगी ये रिवर्सल कैंडल बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, डरा नहीं रहा हूं। एक्टिव देखिए, अगर ये 27,700 के ऊपर ही क्लोज है तो डरने की जरूरत नहीं है क्लोजिंग बेसिस पे एक्सपायरी के दिन। 27,700 के नीचे क्लोज होता है तो थोड़ा सा डरने की जरूरत का मतलब कि वापस फिर से 27,400 के आसपास आ सकता है, यानी इस मूव के लिए, बड़े मूव के लिए अगर आप खड़े हो तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा यहां पे, यहां से एक बड़ा मूवमेंट फिर से हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद कर रहे हैं। इलाहाबाद बैंक, जैसा कि मैंने कल ही या कई दिनों से बोल रहा हूं कि अभी फिलहाल मेरा इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसको अभी ट्रेडिंग लिस्ट से बाहर करते हैं। एक्सिस बैंक, कल मैंने बोला था कि 760 से 765 वाले लेवल तक जा सकता है, ये तो 770 तक पहुंच गया है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसने अब एक 52 वीक हाई पे क्लोजिंग दी है एक्सिस बैंक ने। अब एक्सिस बैंक इंपॉर्टेंट है, कल वीकली एक्सपायरी है, कल भी 670 के ऊपर ही क्लोज करता है। देखिए, इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है मेरा वो 850 से 900 का है, शॉर्ट टर्म के टारगेट 670-680 के थे, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा रुके अब एक्सिस बैंक। देखिए, एक्सिस बैंक अब कंटिन्यू चल रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा एक बार रुकेगा तभी नई पोजिशन बना सकते हैं। यहाँ पे आके आप नई पोजिशन इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी फिलहाल नहीं बनाएंगे। जब ये थोड़ा रुकेगा करेक्ट होगा तब हम यहां पे फिर से एनालिसिस करेंगे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बेहतरीन पीक हो सकती है एक्सिस बैंक। ध्यान रखिएगा, अब रिजल्ट सीजन चालू है तो रिजल्ट के ऊपर भी बहुत सारे मूवमेंट एक्सेप्ट होंगे, तो वो ध्यान में रखिएगा आप लोग कि रिजल्ट को हमेशा ट्रैक करते रहिए, किसी स्टॉक का रिजल्ट कब है उसके बाद ही उसमें ट्रेड कीजिएगा। जैसे दोस्तों, आज मैंने एक इंट्राडे इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आया था तो उस पर ट्रेड किया है, तो उसकी वीडियो मैंने लाइव वीडियो डाली हुई है, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और लाइव वीडियो मैंने काफी सारी वीडियो रोज की मैं वीडियो लाइव डाल रहा हूँ, तो उसको भी देखिएगा, सीखिए और समझिए। इंपॉर्टेंट है कि आप सीखिए, अपना दिमाग लगाइए थोड़ा वहां पर कि आखिर ऐसा क्या दिख रहा है मुझे जो मैं बाइंग कर रहा हूँ। देखिए, सब कुछ बताने से नहीं होगा, आपको बताने से सब कुछ नहीं, आपको कुछ समझना पड़ेगा, कुछ चीजें आप भी के निकालो कि मैं ऐसा क्या उसमें देख रहा हूं जो आपको नहीं दिख रहा, तो आप वो देखने की कोशिश करो पहले। अगला स्टॉक है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसा कि 125 130 के बाद मैं बोल रहा हूँ कि 125 के बाद निकलेगा तो 130 और 135 की तरफ बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, 125 की जब तक ऊपर नहीं निकलेगा अब इसको बाइंग नहीं करना है, नीचे की तरफ 118 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया 110-112 ये भी इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया बना हुआ है। ये लेवल देखिए 110-112 इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा तो 115-120 तक जा सकता है ये। कैनरा बैंक अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि कल ही मैं बोल रहा था कि ये 90 से लेकर 95-96 के बीच में हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो अभी इसको देखना बेकार है फिलहाल।
इसको। डीसीबी बैंक थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक है, यहाँ पे 175 इसमें कोई ज्यादा मंदी है, तेजी नहीं है। अगर जिसके पास पोजीशन है 175 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए, मेरे ख्याल से 82 और 85 के लेवल आपको मिल सकते हैं। फेडरल बैंक, ये मैंने कल आप लोग को बताया था कि इस पे आप नजर बना के रखिए, 96 के ऊपर ये मोमेंटम इसमें स्टार्ट होगा। और देखिए आज ये 96 के ऊपर निकला और 97.40 तक गया, मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स अब यहाँ से 100 तक जा सकता है। जिसने पोजीशन बनाई है उस कंडीशन में स्टॉप लॉस लगा के रखिए 95 का क्लोजिंग। HDFC अभी छोड़ दीजिए फिलहाल, इसमें भी कुछ खास नहीं दिख रहा मुझे। ICICI बैंक, ये थोड़ा सा अलर्ट जोन पे भी पहुंच चुका है, यहाँ पे जाके भी देखिए एक हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पर भी बनी हुई है। तो ये हैंगिंग मैन के ऊपर अगर कल क्लोज करता है तो फिर से मैं बुलिश हो जाऊंगा इसको 390 और 400 के टारगेट के लिए। कल अगर इंट्राडे में इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मुझे लगता है इंट्राडे में आपको 3-4 रुपए की मोमेंटम यहाँ पे ICICI बैंक में देखने को मिल सकती है। तो फोकस में रखिएगा ICICI बैंक को। IDBI मुझे कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा, इसके ऊपर जब ये क्लोज करे 66-67 यहाँ पे देखिए, वीकली चार्ट पे देखेंगे तब समझ में आएगा। वीकली चार्ट में 65-66 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर एक मोमेंटम बन सकता है 70 तक का। अगला स्टॉक है IDFC अभी कंसोलिडेट करेगा 2-4 दिन, अब इसके पास ज्यादा होप बची नहीं है। इंडियन बैंक 260 से 262 जैसा कि मैंने बोला ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे आप अलर्ट, देखिए स्टॉक को समझिए आप, अलर्ट होना जरूरी नहीं है कि वन वे मूव आज एक अच्छा मूव मिला तो कल भी मिले। स्टॉक्स देखिए आज कल सारे बैंकिंग स्टॉक्स ने एक अच्छा मूवमेंट दिया, लेकिन कोई भी बैंकिंग स्टॉक्स मैंने रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि कल मतलब यूट्यूब वीडियो में रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कि शायद सारे स्टॉक्स रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुके हैं, तो जब तक ये रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेंगे मोमेंटम इसमें नहीं मिलेगा। अभी इंडसइंड बैंक आज मैंने लाइव ट्रेड किया, इसका रिजल्ट था तो इसका लाइव ट्रेड मैंने किया है। रिजल्ट पे कैसे ट्रेड करना है इंडसइंड बैंक, देखिए मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं कुछ, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, यस बैंक, SBI, रिजल्ट वाले दिन मैं इसको ट्रेड करता हूँ। और ज्यादातर उन स्टॉक को मैं ट्रेड करता हूँ जो रिजल्ट मार्केट आवर में रिजल्ट आते हैं, तो उसके लिए मैं वेट करके बैठे रहता हूँ, कुछ चीज़ें वहाँ पे देखते रहता हूँ। जितने भी रिजल्ट के वीडियो आएंगी, अगर मैं ट्रेड किया, ट्रेड बना, तो मैं आप लोग के लिए वो वीडियो जरूर डालूंगा। अगला स्टॉक से हमारा कोटक बैंक, देखिए कोटक बैंक अभी भी स्टैंड लाइन के पास में सपोर्ट ले रहा है। कोटक बैंक 1220-1230 को अगर तोड़ेगा तो फिर 1170-1180 आएगा, और वहां पे मैं एक बार स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना चाहूंगा, देखूंगा कि वहां पे किस तरह की मोमेंटम ये बनाता है कोटक बैंक। कर्नाटका बैंक, ये भी स्टॉक उसी वही रेजिस्टेंस एरिया इसके लिए भी है, 116 से लेकर 118 के बीच का, ये देखिए सारा रेजिस्टेंस एरिया है। क्लियर पैटर्न दिखे तो लेना है, नहीं क्लियर दिख रहा तो छोड़ दीजिए। जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक में देखिए क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ क्लियर नहीं है तो वेट कीजिए ना, क्या दिक्कत है, आज नहीं कल बन जाएगा पैसा। ओरिएंटल बैंक, ये स्टॉक देखिए 102 के ऊपर, मैं इसको 102 से 105 के टारगेट में देख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा जिसके पास पोजीशन है तो 98 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए। PNB वही चीज़ है, PNB में भी चल रही है। RBL बैंक फिर से अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास में ही पहुंच रहा है, तो 95 के ऊपर जब तक नहीं, अब देख लीजिए एक्सिस बैंक में, एक्सिस बैंक को लगभग मैंने एक महीने तक 640 आपको बोलते रहा, नहीं खरीदना, जैसे निकला 640-670 दो दिन में पहुंच गया। उसी तरह से 595 के ऊपर ये स्टॉक भी क्लोज करेगा तो मोमेंटम इसमें बनेगा, फिर नए ट्रेडर या बड़े ट्रेडर है वो एंट्री लेंगे, वो इसमें एंट्री नहीं लेंगे, इस खिचड़ी में एंट्री नहीं लेंगे कि क्या हो सकता है यहाँ पे। एक बार क्लियर हो, देखे हो सकता है ब्रेकआउट होने के बाद में भी फेल हो जाए, लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडर है, हमारे लिए फेल होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि हम चेक करते रहते हैं कि हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर अगर वो ट्रेड करता है तभी हम एंट्री लेते हैं, और एंट्री के बाद हमारे एग्जिट भी अपने हाथ में है। देखिए प्रॉफिट नहीं हुआ, स्टॉक्स आपका फेल हो गया, आपके एनालिसिस आज फेल हो गए, तो निकल जाना बेहतर है, आप बैठे मत रहिए वहां पे। आप लोग क्या करते हो, बैठे रहते हो, आप ईगो हर्ट हो जाता है आपका कि मैं निकलूं क्यों निकलूं, मुझे प्रॉफिट ही लेके निकलना है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। स्टॉक्स चल नहीं रहा, स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए वहां पे। SBI जैसा कि मैंने सुबह डाला था एक हार्मोनिक पैटर्न बना के, उसी हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से देखिए 308 को इसने क्रॉस नहीं किया है, और नीचे की तरफ देखिए 300 के आसपास तक आया था, तो मुझे लगता है कल अगर स्टॉक्स 307 के ऊपर क्लोज करेगा तब मैं इसको 310 और 313 के लिए देखूंगा। कल अगर 307 के ऊपर 308 के ऊपर नहीं जाता है तो मुझे लगता है फिर से एक बार 300 टेस्ट करेगा, वापस 300 आएगा और फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। कल वीकली एक्सपायरी है तो वॉलेटाइल भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। सिंडिकेट बैंक में भी वही चीज बनी है, और यूनियन बैंक में भी, यूनियन बैंक देखिए टारगेट यूनियन बैंक के जो आ रहे हैं वो आ रहे थे 98 के आसपास, ये देखिए अगला रेजिस्टेंस 98-97 के आसपास में है, तो वहीं पे अगला टारगेट आ रहे थे, लेकिन वापस ये 95-96 से 92 आ चुका है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर बैठ जाइए। यस बैंक, अब यस बैंक से निकल जाना है, यस बैंक में अब कुछ फिलहाल अभी नहीं बचा हुआ, अब यस बैंक को अभी देखेंगे ही नहीं, यस बैंक को अभी निकल जाइए, यस बैंक से जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है यस बैंक से निकल जाना बेहतर है। चलिए देख लेते हैं हमें बैंक निफ्टी कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेल करना है।
दोस्तों हमारी ऑनलाइन क्लासेस डेली चलती हैं शाम को 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, तो जो भी सज्जन ऑनलाइन ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है हमारे नंबर पर कॉल करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों जिन्होंने भी हमारे लिंक के जरिए जीरोधा में अकाउंट ओपन किया है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8828288283, उस नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट मुझे एसएमएस कर दीजिए, यानी फंड ट्रांसफर, जीरोधा अकाउंट ओपन हो गया। अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर लिया है तो उस फंड ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, जिससे मुझे ये मालूम हो कि आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है। उसके बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है। 26 जनवरी से पहले अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, दूसरा एक आपको चार्टिंग सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, और तीसरा मेरी एक स्ट्रेटजी मैं अपनी बताऊंगा कि किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, या क्या मैं किस स्ट्रेटजी से ट्रेड करता हूँ, उस स्ट्रेटजी का एक पार्ट आपको उसमें, एक स्ट्रेटजी मतलब मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ अगर 26 जनवरी से पहले अकाउंट ओपन हो जाते हैं तो। हम बैंक निफ्टी को बाइंग करेंगे 27750 के ऊपर निकलेगा तब हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 27850 का, सेकंड टारगेट होगा 27950 का, और थर्ड टारगेट होगा हमारा 28000 का। स्टॉप लॉस होगा हमारा 27650 का। अगर ये नीचे की तरफ 27650 ब्रेक करता है तो हम इसको सेल करेंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 27550 का, सेकंड टारगेट होगा 27450 का, और थर्ड टारगेट होगा हमारा 27350 का। स्टॉप लॉस होगा हमारा 27750 का। दोस्तों ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, तो वीडियो को देखिए, समझिए, सीखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।